मथुरा के स्थानांतरित जिलाधिकारी नितिन बंसल हमारे साथ हैं और अभी तक जब हम आपसे बात करते थे तो कहते थे कि मथुरा के जिलाधिकारी हमारे साथ हैं। समय का चक्र है, आए हैं तो जाएंगे। राजा रंक फकीर, शासन की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत जिन अधिकारियों की नियुक्ति होती है एक दिन उनका स्थानांतरण भी होता है, लेकिन कुछ स्थानांतरण अच्छे लगते हैं और कुछ स्वीकार करने पड़ते हैं। कुछ इसी तरह का स्थानांतरण आपका है, ऐसी हमारी सोच है और ऐसा आम जनमानस को भी लगना चाहिए। आपसे यदि हम पूछें तो आप क्या बताएंगे, कैसा रहा आपका 8 माह का मथुरा का कार्यकाल? 29 अगस्त को जब मैंने ज्वाइन किया था तब धीरे धीरे हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे थे और वस्तुतः ज़्यादातर टाइम जो है इलेक्शन का ये पीरियड रहा है। निश्चित तौर पर इलेक्शन का पीरियड काफ़ी चैलेंजिंग रहा है, पर इलेक्शन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत सकुशल तरीके से हुआ। हमारे जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, हमारे जो सपोर्ट स्टाफ के लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत मथुरा में, बहुत जनपद में है। परंतु क्योंकि इलेक्शन के समय में निश्चित तौर पे उनमें कुछ गति में कमी आ जाती है क्योंकि हमारा स्टाफ दूसरी तरफ लग जाता है, तो हम धीरे धीरे दोबारा से गति पकड़ रहे हैं और जी मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में वो काम बहुत अच्छे से होंगे। मथुरा में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम हो रहा है, लगातार काम हो रहा है, और मथुरा जनपद में जैसे कि बाहर से बहुत लोग आते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो डेली अपने नित नियम से दर्शन करने जाते हैं, उनके लिए जो स्थापना सुविधाओं का विस्तार हो रहा है वो आने वाले समय में जारी रहेगा और मथुरा जनपद का जो चौमुखी विकास है वो आने वाले दिनों में मिलेगा भी। लेकिन इसके बावजूद जब आप यहाँ पर आए थे अगस्त में तो अपने साथ क्या सोच लेकर आए थे, क्या कराएंगे, कितना करा पाए, क्या खोया, क्या पाया? खोने को नहीं, यहाँ पे मथुरा जनपद में बहुत कुछ पाने को मिला है, बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीजें मिली हैं, बहुत अच्छे अनुभव यहाँ के रहे हैं। और जब मैं आया था तो बहुत एक क्लीन अप्रोच के साथ आया था। जब भी किसी नए जिले में जाते हैं आप एक क्लीन स्लेट के साथ आते हैं, जहाँ पे जैसे इश्यूज होते हैं उसी तरीके से उनका निस्तारण करने की सोच रहती है। यहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, चाहे वो साफ सफाई को लेकर हो, चाहे वो सड़कों को विस्तारीकरण करने को लेकर हो, चाहे वो बिजली के काम को लेकर हो, चाहे वो शहर में जाम की व्यवस्था को लेकर हो। कहीं पर कुछ जगहों पर निजात मिला, कुछ जगहों पर अभी और काम होना बाकी है। आशा करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में मथुरा में वो काम होंगे और जो काम अभी चल रहे हैं वो त्वरित गति से आगे होकर उनको हमारे जो अधिकारी हैं, जो नवागंतुक अधिकारी आएंगे और जो अधिकारियों के यहाँ पे टीम है वो उनको पूरा करेगी। जरूर कुछ ऐसे कार्य भी होंगे जो अभी पाइपलाइन में होंगे, और अभी पिछले दिनों आपसे हमारी बातचीत हो रही थी, अनौपचारिक बातचीत के दौरान आप बता रहे थे कि अभी हाल ही में इसी नई सरकार के कार्यकाल में ही एक बैठक में आप सम्मिलित होने के लिए लखनऊ गए थे। आपने कहा था कि अभी उसकी पूरी जानकारी नहीं आ पाई है, तो वो क्या कुछ है, कुछ शेयर करेंगे? ये गोवर्धन परिक्रमा मार्ग बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर धार्मिक स्थल है और गोवर्धन परिक्रमा की अपनी, गोवर्धन पर्वत की अपनी एक महत्व है यहाँ के लोगों के बीच में, आसपास के लोगों के बीच में, दूर दूर से लोग आते हैं और बिना किसी सुविधा की अपेक्षा अपनी तरफ से किए हुए वो अपनी परिक्रमा लगाते हैं, दर्शन करते हैं और वापस जाते हैं। उस परिक्रमा मार्ग में विस्तृत तौर पर सुधार करने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है, उस कार्य योजना पे भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों विचार कर रही है। उसी के संबंध में तब बैठक में सम्मिलित हुआ था, उसमें NH को जोड़ने का, गोवर्धन के थ्रू NH को लेके जाने का, एक बाहर आउटर परिक्रमा रिंग बनाने का, वहाँ पर प्लाजाज बनाने का, वहाँ पर बहुत और बहुत सारी सुविधाएं अलग अलग इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों के लिए वहाँ पर पैदा करने के लिए विचार मंथन सरकार में चल रहा है और त्वरित गति से चल रहा है। उसको एक उच्चीकृत श्रेणी में एक दार्शनिक स्थल बनाने के लिए जो विचार चल रहा है वो पाइपलाइन में है, आगे आने वाले दिनों में जो आप हमारे अधिकारी वो आपको बताएंगे भी उसके बारे में। आपको मथुरा में
क्या कुछ अच्छा लगा और कहीं कुछ तीस रही कुछ अच्छा नहीं भी लगा ऐसी कोई चीज नहीं रही जो अच्छी ना लगी हो अच्छा परिवार लगने के बारे में थोड़ा सा पहले आप बता दें कि अच्छा लगने वाली बात हुआ है कि यहां पर आकर आपका परिवार समृद्ध हुआ देखिए व्यक्तिगत तौर पे निश्चित तौर पे मेरा परिवार जो है वो पूरा हुआ है और मेरे घर में खुशी हुई है मेरे व्यक्तिगत तौर पे मेरे लिए बहुत अच्छा अविस्मरणीय ये पल रहेगा और मथुरा हमेशा यादगार रहेगा मेरे लिए बुरी चीजों कोई ऐसी बुरी चीजें मथुरा में नहीं है किसी भी जगह नहीं होती हैं और आपके समय के अनुसार आप जैसी परिस्थितियों में काम करते हैं आपके वैसे ही आपके तजुर्बे होते हैं मेरा तजुर्बा मथुरा के लिए बहुत अच्छा रहा है और यादगार तजुर्बा रहेगा और उम्मीद करूंगा कि व्यक्तिगत कैपेसिटी में मैं बार बार यहाँ पर आता भी रहूं और भगवान के दर्शन करता रहूं यहाँ के लोगों के रूबरू भी होता मथुरा एक पावन पुनीत नगरी है निश्चित तौर पर यहाँ के बारे में कुछ आप ऐसा सोचते होंगे कि यदि आपको समय और मिलता क्योंकि 8 माह का कार्यकाल एक प्री मैच्योर पीरियड हम इसे कहें तो ये अतिशोक्तिपूर्ण नहीं होगा तो वो जो आने वाले जिलाधिकारी हैं उनको एक सजेशन के रूप में या आप अपनी मंशा के रूप में कि आप ये और चाहते थे कराना देखिए हमारी तैनाती सरकार के द्वारा की जाती है सरकार उसमें जितना भी कार्यकाल देती है कोशिश यही होती है कि अच्छे से अच्छा उसमें काम करके दिखाया जाए जो आने वाले अधिकारी हैं वो भी तजुर्बेकार अधिकारी हैं आईएएस अधिकारी हैं वो अपना तजुर्बा लेके आएंगे चीज़ों को समझेंगे परखेंगे जो हमारी तरफ से फीडबैक देना जाना होगा वो बिल्कुल मैं दूंगा क्या कुछ किया जा सकता है कौन सी योजनाएं पाइपलाइन में थी क्या अच्छा चल रहा था कैसे चीज़ों को और अच्छा किया जा सकता है सब बताया जाएगा अधिकारी अपनी सोच लेके आते हैं अपने विवेक से निर्णय करते हैं अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं मेरा मानना है कि जो भी अधिकारी आता है वो बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करता है जितना भी समय उसको मिलता है उसका प्रयास यही रहता है कि कुछ ना कुछ लोगों के लिए अच्छी सुविधाएं पैदा करें लोगों के जीवन में कुछ राहत के पल लाएं दो शब्द यहाँ के लोगों के बारे में आपकी अनुभूति जो रही हो कैसे लगे लोग आपको ब्रजवासी देखिए ब्रज में ये मेरा पहला अनुभव था पहली होली मैंने ब्रज में इस बार देखी थी और वास्तव में ऐसी होली ना कभी देखने को मिली और यहाँ के लोगों से जैसा व्यवहार मेरा रहा है जैसे लोग मेरे टच में आए हैं ये एक ऐसा जुड़ाव रहा है जो हमेशा मेरी जिंदगी के साथ जुड़ा रहेगा और यहाँ के लोगों ने जो साथ दिया है यहाँ के अधिकारियों ने साथ दिया है उसके लिए बहुत बहुत एक दो शब्द मीडिया के बारे में भी आपके लिए बहुत बहुत आभार कि आप जितने भी हमारी मीटिंग होती थी जितने भी कलेक्ट्रेट के हमारे काम होते थे लगातार उसकी कवरेज करते थे आपका भी अपना एक दायित्व है अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है चीजें खराब हैं वो भी वास्तव में निकल के आनी चाहिए अगर चीजें अच्छी हैं तो वो भी निकल के आनी चाहिए आपका प्रेजेंटेशन उन चीजों के बारे में कैसा है तो बहुत अच्छा रहा है और 8 महीने में जो मेरा कार्यकाल रहा है आपने जो कवरेज दिया है उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद आपका बहुत बहुत इतनी बातचीत हमसे आपने कितना वक्त हमें दिया इसके लिए तो अभी तक हमारे साथ रहे मथुरा के स्थानांतरित जिलाधिकारी नितिन बंसल 8 माह का आपका कार्यकाल रहा आपने यहाँ पर चुनाव सकुशल संपन्न कराया और यहाँ पर आपने होली के पर्व को भी सकुशल संपन्न करवाया और क्या कुछ आपने कराया वो आपने बताया और क्या कुछ होने जा रहा है क्या कुछ पाइपलाइन में है उसकी भी थोड़ी सी जानकारी आपने दी और ये भी कहा कि जो नए जिलाधिकारी हैं उनको भी थोड़ा बहुत फीडबैक वे अपनी ओर से देंगे न्यू न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन राजेश सोलंकी के साथ योगेश खत्री